दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगेन दैट इज़ पिक्चर क्विज। ये पार्ट वन है। पार्ट टू जो रहेगा वो भी रहेगा इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स पे, इंपॉर्टेंट पर्सन्स पे। तो ये जो वीडियो है वो पूरा ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर हो सकती है आपकी। तो KBC के जो फर्दर लेवल्स है ऑडिशन से लेकर, तो आपका जो हॉट सीट है तब तक आपको बहुत काम आएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। अगर चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग GK रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगा। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई। आपको आइडेंटिफाई करना है इन्हें, आपको आइडेंटिफाई करना है इन्हें। तो ये जो है, ये है जनरल मनोज पांडे, ठीक है। जनरल मनोज पांडे इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो है, ये है 28 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और ये जो है, ये मनोज मुकुंद नारवणे जो फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, और अब जो है वो है जनरल मनोज पांडे। ही इज़ द फर्स्ट ऑफिसर फ्रॉम द कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स टू बिकम एन आर्मी स्टाफ। ये जो है, ये है एडमिरल आर हरी कुमार, याद रखिएगा, नेवी के एडमिरल है आर हरी कुमार। और ये जो है एयर चीफ मार्शल है VR चौधरी, एयरफोर्स, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 2, ही इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आइडेंटिफाई हिम। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश है, उनकी पहचान कीजिए। तो ये है NV रामन्ना। क्वेश्चन नंबर 3, ही इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। यह किस राज्य के मुख्यमंत्री है? तो ये है झारखंड के, जो कि हेमंत सोरेन है। ऐसे ही आपको हर चीफ मिनिस्टर्स, जो हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं और हर गवर्नर्स जो हैं, वो आपको अच्छे से उसकी स्टडी करनी है, उनकी फ़ोटोज़ भी देखिए, और साथ में वो कहाँ के गवर्नर है, स्पेशली यूनियन टेरिटरीज़ के भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द फेमस रियलिटी शो। प्रसिद्ध रियलिटी शो की पहचान कीजिए, ये देखिए। तो ये है शार्क टैंक इंडिया। ये जो है, ये है विनीता सिंह जो कि शुगर कॉस्मेटिक्स की है। पीयूष बंसल, ये जो है, ये लेंसकार्ट। गज़ल अलग, ये है, ये है मामा अर्थ। अश्नीज ग्रोवर, ये है, और जो है भारत पे के को फाउंडर और अभी जो CEO है भारत पे के, वो है सुहेल समीर। ये जो है, ये है अमन गुप्ता जो कि बोट कंपनी के फाउंडर हैं। ये जो है, ये है नमिता थापड़, MQR फार्मा, ठीक है। और लास्ट में है जो है, ये है अनुपम मित्तल जो कि शादी.com, पीपल्स ग्रुप, मौज, ये सब के जो है, ये फाउंडर CEO भी है। तो याद रखिएगा, इसकी अच्छे से स्टडी कीजिए, हो सकता है तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, हो सकता है इस बार ये सब पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द अपकमिंग मूवी। आपको आइडेंटिफाई करना है ये जो मूवी है, तो ये है जयेश भाई जोरदार, याद रखिएगा। द कैरेक्टर इज प्लेड बाय रणवीर सिंह, डायरेक्टेड बाय दिव्यांग ठक्कर, एक्ट्रेस इसमें है शालिनी पांडे। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द कोरियोग्राफर ऑफ ओ अंतावा सॉन्ग ऑफ पुष्पा। ये बहुत ही फेमस सॉन्ग है पुष्पा का, तो पुष्पा के ओ अंतावा गीत के कोरियोग्राफर की पहचान कीजिए। तो ये जो है, ये है गणेश आचार्य, और इस गाने में जो है वो समांता रुद्र प्रभु है, याद रखिएगा, श्री समांता रुद्र प्रभु, जो कि पुष्पा मूवी का बहुत ही फेमस सॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द बिजनेस टाइकून हु हैज़ टेकन कंट्रोल ऑफ सोशल मीडिया साइट्स ट्विटर। उस बिजनेस टाइकून की पहचान करें जिसने सोशल मीडिया साइट ट्विटर जो है वो खरीदा है, ये देखिए। तो ये है लॉन मस्क। इस सौदे के माध्यम से वह लगभग 44 अरब अमेरिकी डॉलर में सोशल नेटवर्क का अधिग्रहण करेंगे, ठीक है, 44 अरब अमेरिकी डॉलर। तो याद रखिएगा, ये अमाउंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द एनिमल।
तो ये जो है, ये है वाइल्ड एशियाटिक एस, और इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो कहाँ पाए जाते हैं, रण ऑफ कच्छ में। और भी कुछ एनिमल्स देख लेते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और हो सकता है कि ये आगे पूछे जाए। तो ये जो है लायन टेल मैक्यू है, ये जो है नीलगिरी थार, ठीक है, नीलगिरी थार, इसको मैं एनलार्ज करके बताती हूँ। ये जो है नीलगिरी थार, जो कि तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। ये जो है पिग्मी हॉग, ये जो स्मॉलेस्ट पिग है, स्मॉलेस्ट पिग ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज द पिग्मी हॉग। ये देखिए, फिर देखते हैं, ये जो है ये हिमालयन रेड बियर है, इसे आइसाबिलिन बियर भी कहा जाता है। ये देखिए, ये जो है ये है मलायन तापीर कहते हैं इसे, इस एनिमल को कहते हैं तापीर, जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया में भी पाए जाते हैं। ये देखिए, सदर्न एशिया में पाए जाते हैं। ये है पेंगोलियन, ये जो है ये गौर है, इंडियन बाइसन, कई सारे जो स्टेट्स है उसकी स्टेट एनिमल भी है ये गौर इंडियन बाइसन। तो आपको जो है स्टडी करना है कि जो गौर इंडियन बाइसन है वो किस स्टेट्स के स्टेट एनिमल है। ये जो है इसे गायल कहते हैं, जो कि मिथुन, जो स्टेट एनिमल है अरुणाचल प्रदेश का और नागालैंड का। ये देखिए मिथुन, इसे गायल की भी कहते हैं, गायल, दोनों में डिफरेंस है। ये जो है ये है फायरीज लीफ मंकी, जो कि त्रिपुरा का जो है वो स्टेट एनिमल है। देखिएगा, ये जो है ये सुमात्रन सेरो है, ये देखिए सुमात्रन सेरो, कंफ्यूज मत होइएगा नीलगाय में और इसमें, ये सुमात्रन सेरो बोलते हैं इसको, सेरो, जो कि मिजोरम का जो स्टेट एनिमल है। ये है क्लाउडेड लेपर्ड, ये देखिए, जो कि मेघालय का जो है वो स्टेट एनिमल है। और ये जो है ये अल्पाइन मस्ट डियर है, ये थोड़ी डिफरेंट डियर है, देखिए इसके दांत भी है, और ये उत्तराखंड का स्टेट एनिमल है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ऐसे भी आप और भी एनिमल्स सर्च कीजिए कि कौन से स्टेट एनिमल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द फ्लावर्स, आपको आइडेंटिफाई करना है ये फ्लावर कौन सा है। तो ये जो है ये है पॉपी, ठीक है, ये जो है ये पॉपी है, ये वाले जो है ये डैफोडिल है, ये है पेरीविंकल, जिसे सदाबहार भी कहते हैं, सदाबहार। ये जो है ये है गुलमोहर, ये जो फ्लावर्स है ये है अबोली कहते हैं, और ये है डेजी, ठीक है, डेजी जो है उसे गुलबहार कहते हैं। आपको पहचानना है कि ये जो पेड़ है वो कौन सा पेड़ है। तो ये जो है अकेशिया, मतलब बबूल, बबूल का पेड़ है ये, ठीक है, अकेशिया कहते हैं। और इसका जो गोंद भी जो है वो बनाया जाता है, बबूल का गोंद, अकेशिया का जो गम होता है वो भी बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द डिश, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो डिश है वो कौन सी है। ये देखिए, तो है ये है मलाई पान, इसे क्या कहते हैं, मलाई पान, जो कि लखनऊ में बहुत फेमस है, और ये भी लखनऊ में बहुत फेमस है, दैट इज शीरमल ब्रेड कहते हैं इसे। ये जो है खांडवी है, ढोकले से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये है खांडवी। ये जो है ये है वड़ा पाव, ये जो है इसे पात्रा कहते हैं, गुजरात में पात्रा कहते हैं, जो कि अरबी के पत्ते से बनता है, एक भजिया जैसा होता है, ये बिहार में भी काफ़ी फेमस है, और गुजरात में इसे पात्रा कहते हैं। ये है फाफड़ा जलेबी, ये है पेठा, ये है सिंगूरी, जो कि उत्तराखंड में बहुत फेमस है, इट इज़ एग्जैक्टली सेम एज कलाकंद, कलाकंद के जैसे ही होता है, लेकिन ये पान के पत्ते को कोन शेप में करके उसमें भर के देते हैं।
ये है सुथार फेनी, ये फेनी है। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द हैंड मुद्रा ऑफ गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा के हस्त मुद्रा की पहचान कीजिए। ये देखिए, आपको पहचानना है कि ये जो मुद्रा है वो कौन सी है गौतम बुद्धा की। तो ये है ध्यान मुद्रा, ठीक है, याद रखिएगा ये ध्यान मुद्रा है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी मुद्राएं हैं जो मैं आपको बताऊंगी, तो आप ध्यान में रखिए। ये है भूमि स्पर्श मुद्रा, ये जो है ये भूमि स्पर्श मुद्रा है। ये अभय मुद्रा, ये है ध्यान मुद्रा जो हमने अभी देखा। ये है वितर्क मुद्रा, ये जो है कई बार आपने बुद्ध को ऐसे मुद्रा में भी उनका हैंड रहता है, तो ये कौन सा है, वितर्क मुद्रा। और ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्रा है, ये है धर्मचक्र मुद्रा। जब उन्होंने फर्स्ट अपनी प्रीचिंग दी थी सारनाथ में, तो उनकी जो मुद्रा है, जो स्टैचू इसमें बनी हुई है, देखिएगा ये जो है धर्मचक्र मुद्रा। गौतम बुद्ध जी के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। गौतम बुद्ध लुम्बिनी, भगवान बुद्ध शाक्य वंश का जन्म स्थान है। उनके पिता राजा शुद्धोदन थे, जो कौशल के बढ़ते राज्य में शाक्य वंश के नेता थे, और उनकी जो माँ थी वो है, उनका नाम है रानी माया, याद रखिएगा रानी माया। उनकी जो पत्नी का नाम है यशोधरा, और उनके जो पुत्र हैं उनका नाम राहुला। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुई थी। उन्होंने समाधि की अवस्था में पवित्र पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर वैशाख पूर्णिमा, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा मतलब अभी जो आने वाली है बुद्ध पूर्णिमा की रात को ज्ञान प्राप्त किया था। पेड़ को अब बोधि वृक्ष के रूप में जाना जाता है। बुद्ध ने कुशीनगर में परिनिर्वाण प्राप्त किया, ठीक है, कुशीनगर, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह के नाम है, तो ये पूछा जाता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए। बुद्धिस्ट काउंसिल, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था वो किसके राज्य में हुआ था, अजातशत्रु राजगीरा वेन्यू था, और महाकश्यप जो थे वो चेयरमैन थे। सेकंड जो था वो काल अशोका वैशाली वेन्यू था, सब कमी चेयरमैन थे। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में अशोका के वक्त हुआ था, ये इम्पॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र जो था वो वेन्यू था, और चेयरमैन कौन थे, मोगाली पुत्र। फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल वो कनिष्क के समय हुआ था, वेन्यू था इसका कुंदलबन जो कि कश्मीर में है, और इसके जो चेयरमैन थे वो वासुमित्र थे। तो अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, ये आगे आपको बहुत काम आएगा पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द फेस्टिवल, आपको त्यौहार की पहचान करनी है कि ये कौन सा फेस्टिवल है। तो यह है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया जिसे अक्ति या अखातीज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, अक्षय तृतीया को अक्ति या अखातीज के नाम से भी जाना जाता है। यह एक वार्षिक हिंदू और जैन वसंत त्यौहार है। वैशाख के महीने में ही ये जो त्यौहार है वो आता है, और वैशाख के महीने में ही बुद्ध पूर्णिमा भी आती है, जो कि इस बार 16 मई को है, याद रखिएगा। और कुछ हम हिंदू कैलेंडर मंथ्स के नाम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि रक्षाबंधन जो है वो हिंदू कैलेंडर मंथ के अनुसार कौन से मंथ में आता है, तो वो श्रावण में आता है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, वो ध्यान में तब रखोगे जब आपको जो नाम है वो याद रहेंगे। तो जो हिंदू कैलेंडर मंथ है वो जो चालू होता है चैत्र के महीने से, जो कि अप्रैल से चालू होता है। तो आप हमेशा जब काउंटिंग करते हैं कोई भी फेस्टिवल का, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप अप्रैल से चालू कीजिएगा कि अप्रैल में कौन से त्यौहार आते हैं। तो अप्रैल जो है वो चैत्र है, ठीक है। उसके बाद आता है वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन, ठीक है। फागुन में हमेशा देखिएगा होली आएगी, तो ये इस तरीके से आप याद रखिएगा। जैसे कार्तिक है, कार्तिक में दिवाली आती है, तो ये सब, अश्विन में दुर्गा पूजा मनाते हैं, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है कि कौन से फेस्टिवल्स कब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, तो ये आपको जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है ये पहचानना है।
तो इसका जो नाम है ये है दिलरुबा, ठीक है, इसका जो नाम है दिलरुबा। और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं वो देख सकते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ रुबाब, इसे रुबाब कहते हैं, जो कि कश्मीरी फोक म्यूज़िक में बहुत इसका मान है, ये है रुबाब। ये जो है ये सरोद, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, शेप भी अलग है आप देख रहे होंगे और काफ़ी कुछ अलग है इंस्ट्रूमेंट में, सरोद में। ये जो है ये राजस्थानी फोक म्यूज़िक में बहुत काम आता है, जो कि इसे बोलते हैं अलगोज, ठीक है, अलगोज बोलते हैं। ये जो है इसे पेपा कहते हैं, जो कि असम फोक म्यूज़िक में बहुत काम आता है, असम में। ये तो सब जानते होंगे, ये है नगाड़ा। ये जो है ये है, इसे पखवाज कहते हैं, ठीक है, इट इज़ नॉट अ मृदंगम, मृदंगम थोड़ा सा और लंबा होता है, ये है पखवाज। ये देखा होगा आपने दुर्गा पूजा में, तो ये जो है इंस्ट्रूमेंट इसे धाक कहते हैं, ठीक है, दुर्गा पूजा में जो है ये आपने देखा होगा। ये एक और इंस्ट्रूमेंट है, रेयर इंस्ट्रूमेंट है, इसे कहते हैं सुरांदो। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द फ्लैग ऑफ विच कंट्री। आपको आइडेंटिफाई करना है ये फ्लैग, आई थिंक ये बहुत इजी है, तो आप अच्छे से एशिया के जो फ्लैग्स हैं और अभी जो कंट्रीज़ जैसे कि यूक्रेन है, रशिया है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब भी जो फ्लैग्स है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में काफ़ी कंफ्यूजन होता है, तो उसकी अच्छे से स्टडी कीजिए। तो ये जो है ये है श्रीलंका का, ठीक है, सबको पता ही होगा ये श्रीलंका का है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पूछा जा सकता है, श्रीलंका में चल रहे संकट के दौरान श्रीलंका को महत्वपूर्ण चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए व्यापक उद्देश्य के साथ INS घड़ियाल जो है मिशन सागर 9 के तहत कोलंबो पहुंची है, और इसने 760 किलोग्राम से अधिक 107 प्रकार की महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाएं वहां पर वितरित की है। कुछ फ्लैग्स देख लेते हैं, यह है यूक्रेन का, यह है रशिया का, और यह है अफ़गानिस्तान का। ऐसे ही आप पूरे एशियन कंट्रीज़ के स्पेशली आप फ्लैग स्टडी कीजिए, और यूरोपियन कंट्रीज़ के स्पेशली जो है वो है रशिया है, पोलैंड है, ऑस्ट्रिया है, और यूक्रेन है, ये सब की अच्छे से स्टडी कीजिए। आई होप आपको जो वीडियो है वो बहुत पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज़, और कुछ और भी अगर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे तो मैं उस वीडियो में अपलोड करूँगी, उसके बाद हिस्ट्री भी अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ आप अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे सेफ़।